हेलो, एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग बात कर रहे हैं। अलग अलग टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज से अभी मैंने आपको पिक्रिक एसिड बनाना सिखाया है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कैसे बनता है पिक्रिक एसिड, और आप उसको कैसे पंप कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब मैं आप लोगों को कुछ डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूँ, जिसमें हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे बनता है वो देखिए आप लोग। सबसे पहले हमने क्लोरोबेंजीन लिया, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ आप रिएक्शन करते हैं ब्रोमोबेंजीन का, और आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम है C6H5MgBr। ग्रिगनार्ड रिएजेंट C6H5MgBr ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल है, आप उसको लिख सकते हैं। कैटलिस्ट का ध्यान रखेंगे आप लोग, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहां पे ब्रोमोबेंजीन का कंटेंट यूज करते हैं। रिएक्शंस बहुत ही सिंपल है, पहले आप लिखिए, रिएक्शन को बैलेंस करें और उसको अरेंज करेंगे आप। ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम ब्रोमाइड, रिएक्शन बहुत सिंपल है। आप जब इसको लिखेंगे तो यहां पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट के कई सारे कंटेंट यूज होते हैं। एक्चुअली दिस आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज वन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें कि कार्बन कंपाउंड एक मेटल के साथ कनेक्ट रहता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। आपने रिएक्शन एनहाइड्रस ईथर, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन है तो RMgX जैसे बनता है, वैसे ही C6H5MgX MgBr बना। यहां पे आप ब्रोमो का ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाया ब्रोमीन के साथ, आप ऐसा ही आयोडीन के साथ बनाएंगे। मैग्नीशियम कैटलिस्ट बिल्कुल सेम है, एनहाइड्रस ईथर, एनहाइड्रस ईथर, एनहाइड्रस ईथर के साथ आपने रिएक्शन किया, और यहां पे अगेन फिर से आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट है C6H5MgI, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ऊपर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दोनों रिएक्शन में आपने ब्रोमो और आयोडो लिया है, लेकिन आप इस रिएक्शन से, इस कैटलिस्ट की मदद से आप क्लोरो वाला ग्रिगनार्ड रिएजेंट नहीं बना सकते। इट मींस फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं बनेगा इस कैटलिस्ट, ये ध्यान रखिए आप लोग। इस केस में आप क्या करेंगे, यहां पर हम कैटलिस्ट को चेंज करेंगे, क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, और यहां पे जो कैटलिस्ट आप यूज करेंगे उस कैटलिस्ट का नाम है THF। THF इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन।
एम जी सी एल, एम जी सी एल, यानी कि आप ब्रोमीन के साथ आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो एनहाइड्रस ईथर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आपको मिलेगा। लेकिन जब आप रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ करेंगे तो यहां पे एनहाइड्रस ईथर के साथ रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज क्लोरीन हाईली रिएक्टिव है। यहां आपको टेट्राहाइड्रोप्यूरेन टीएचएफ लेना पड़ेगा, टेट्राहाइड्रोप्यूरेन, फ्लोरो वाला ग्रिग्नार्ड तो बनता ही नहीं है। ठीक है, हर एक रिएक्शन का आप लोग नाम जरूर लिखेंगे। सबसे पहले वाले रिएक्टेंट का नाम ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। सेकेंड इज आयोडोबेंजीन, नेक्स्ट इज क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। आप यहां पे कैटलिस्ट का ध्यान रखेंगे। यहां पे कैटलिस्ट आपने एनहाइड्रस ईथर, ड्राई ईथर, एनहाइड्रस ईथर लिया है, जबकि इस वाले केस में हमने टीएचएफ लिया है। वेयर टीएचएफ का मतलब होता है, टीएचएफ का फुल फॉर्म आप लिख के रखें, टीएचएफ मीन्स टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। जो प्रोडक्ट बने हैं, इन प्रोडक्ट में फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड आयोडाइड एंड लास्ट में फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे क्या रिएक्शन होती है वो मैंने आपको बताया। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है टीएचएफ के टाइम पे कि क्लोरोबेंजीन से नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी। क्लोरोबेंजीन के केस में कैटलिस्ट चेंज हो जाता है और कैटलिस्ट हो जाएगा टीएचएफ। कई बार पूछा गया है स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली रट्टाफिकेशन मार के सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, बहुत ध्यान समझना है ना। ऐसा नहीं कि सब रिएक्शन बिल्कुल एक ही जैसी होगी, हर रिएक्शन का एक स्पेशलाइजेशन है। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग पढ़ा था क्लोरीन ब्रोमीन एक जैसे रिएक्शन देते थे, लेकिन आयोडीन नहीं बनता था, आयोडोबेंजीन डायरेक्ट नहीं बनता था, क्योंकि वहाँ पे HI रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है HI वाली, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के कारण। सेम वहीं पे यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, ठीक है, कि आयोडीन ब्रोमीन एक जैसा रिएक्शन दे रहा है एक जैसे कैटलिस्ट के साथ, लेकिन क्लोरीन वो रिएक्शन नहीं देगा उस कैटलिस्ट के साथ, है ना। उसके लिए आपको फिर कैटलिस्ट चेंज करना पड़ेगा, टीएचएफ यूज करना पड़ेगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। नाउ अगला एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन रिएक्शन निकल एल्यूमिनियम अलॉय निकल एल्यूमिनियम अलॉय इथेनॉल के साथ ये रिएक्शन है, जिसमें हम लोग निकल एल्यूमिनियम का अलॉय भी लेते हैं और उसका इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कैसे होगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्लोरोबेंजीन लेंगे, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, रिडक्शन है एंड प्रेजेंस ऑफ निकिल एल्यूमिनियम अलॉय एंड इथेनॉल। निकिल एल्यूमिनियम अलॉय के साथ में रिएक्शन है,
क्लोरोबेंजीन की, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक प्रोडक्ट बना है जिसमें ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ HCl फ्री हो जाएगा और आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेंजीन प्लस फ्री हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिडक्शन रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है, देख रहे हैं आप लोग। प्रोडक्शन रिएक्शन निकल एल्यूमिनियम अलॉय के साथ है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन निकल एल्यूमिनियम अलॉय इथेनॉल फॉर्म बेंजीन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने इस रिएक्शन को किसी और हैलोजन के साथ भी ले सकते हैं, क्लोरोबेंजीन के अलावा ब्रोमोबेंजीन आयोडोबेंजीन, तब भी रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ आप लोगों को आज अभी ग्रिग्नार्ड के बारे में बात करा था और ग्रिग्नार्ड के साथ साथ मैं आप लोगों को रिडक्शन के बारे में बात करा निकल एल्यूमिनियम अलॉय के साथ। यही रिएक्शन अगर किसी थायोल के साथ हो जाए यानी कि किसी थायो ग्रुप के साथ तो क्या होगा, आप वो भी देखिए। यदि रिएक्शन सेम यही पोटेशियम के साथ क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद पोटेशियम थायोल KSH KSH SS ग्रुप इज कॉल्ड थायो अल्कोहल। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद पोटेशियम थायोल क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एल्यूमिनियम अलॉय इथेनॉल तो बेंजीन बना। नीचे क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ पोटेशियम थायोल रिएक्ट विथ पोटेशियम थायोल पोटेशियम थायोल KSH पोटेशियम थायोल का फॉर्मूला है। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद पोटेशियम थायोल एंड फॉर्म बेंजीन के साथ SH और साथ में फ्री हो जाएगा KCl। कंपाउंड इज कॉल्ड थायोफिनॉल थायोफिनॉल का कंटेंट है। थायोफिनॉल क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एल्यूमिनियम अलॉय इथेनॉल क्लोरोबेंजीन है रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एल्यूमिनियम अलॉय इथेनॉल बेंजीन एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिडक्शन रिएक्शन है लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है सेकेंड रिएक्शन, देख रहे हैं आप लोग ध्यान से। क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद थायोल KSH पोटेशियम थायोल, थियोल का कंटेंट होता है जिसमें कि SH ग्रुप होता है और आपको जैसे OH होता तो फिनॉल बोलते हैं, SH होता तो थियोल बोलते हैं, है ना, तो थियोफिनॉल। स्टेटमेंट आपको थायो आगे लगाना पड़ेगा प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड कंटेंट। ठीक है, नोट करिए रिएक्शंस में कैटलिस्ट क्या है, किसकी प्रेजेंस में हट रहा है, कितने टेम्परेचर पे, जैसे पोटेशियम थायोल है ये एक्वस मीडियम में रिएक्शन होती है, एक्वस मीडियम में। आप सभी रिएक्शन में दो चीज ध्यान देख रहे हैं कि सभी रिएक्शंस में हमारे पास कैटलिस्ट बिल्कुल क्लियर है, कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जिसमें कैटलिस्ट क्लियर ना हो, क्योंकि विदाउट कैटलिस्ट आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, है ना।
इसलिए आप हर एक रिएक्शन में कैटलिस्ट जरूर का पास करिए। सिर्फ यही समझना है, क्या कैटलिस्ट के कारण कोई प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, क्या क्या उसी कैटलिस्ट से ही रिएक्शन हो रही है, ये एक इसका मैकेनिज्म का एक मेन हिस्सा होता है जो हमको समझना है, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ऊपर की दो रिएक्शन एनहाइड्रस ईथर के साथ, लास्ट रिएक्शन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ TSF के साथ, है ना। जबकि इधर वाला रिएक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे निकल एल्युमिनियम एलॉय के प्रेजेंस में रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और ये आपको KSH एक्वस कंडीशन एक्वस पोटेशियम थायोल के साथ रिएक्शन है तो थायोफिनॉल बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। थायोल्कोहल थायोफिनॉल के बाद अगला रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन्स बाय डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है, कई टाइप की रिएक्शन के अंदर इंक्लूड होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं, सबसे पहले क्लोरीन हैलोजन में सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन होता कैसे है, और जब सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन होगा तो उसमें आपको कौन कौन सी पोजीशन जो है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की होगी, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने एक दिन आपको क्लोरीन के बारे में बताया था कि क्लोरीन में कैसे एक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, एक बार आप और उसको समझिए ध्यान से, क्योंकि यहां पर हम लोग सारे सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्लोरीन को लेंगे बेंजीन के साथ, क्लोरीन C6H5Cl। क्लोरीन का अरेंजमेंट समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, और 17 होने के कारण इसका कॉन्फ़िगरेशन हम जो लिखेंगे वो 287। इट मीन्स क्लोरीन के पास सबसे आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। जब क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो यहां क्लोरीन आएगा और उसके साथ 7 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे था 7। ये टोटल 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ होते हैं। जब क्लोरीन किसी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है और अब वहां पे सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन शो करेगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसमें एक ये रिंग की जगह पे हम बॉन्ड के साथ समझाएंगे। इस टाइप से एक कोई सा बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड इधर, यहां और यहां, ये डबल बॉन्ड है। जैसे ही अब हम डीलोकलाइजेशन, डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन बताएंगे, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे डीलोकलाइज हो रहा है। ओके, नाउ ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज फ्री होता है, तो क्लोरीन पे पीछे चार्ज छूटेगा पॉजिटिव, और इन दोनों के बीच का जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इस कोने से निकल करके कॉर्नर पे आएगा यहां पे। ये मैंने आपको समझाया था, एक बार और समझा रहा हूं शॉर्टकट में, थोड़ा सा देखेंगे आप लोग इसमें। यहां जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो जाएगा और चार्ज पीछे पॉजिटिव छूट जाएगा, और यहां पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन, और यहां पे ऑलरेडी हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ था। जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यहां आएंगे, ये बॉन्ड यहां से टूट के कोने पे आएगा। अगली बार में आप देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, देन ये बॉन्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, एक बॉन्ड यहां आया, यहां पे नेगेटिव के साथ दो इलेक्ट्रॉन। अगली बार ये दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इस कॉर्नर से निकल के यहां आएंगे और ये बॉन्ड कॉर्नर पे जाएगा। मैं इसलिए इसको अभी और बता रहा हूं आपको
क्योंकि अभी हम लोग हैलोजन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारी पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। यहाँ पे हैलोजन पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव के साथ दो इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं कैसे बाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है बेंजीन रिंग के अंदर। लास्ट स्टेप में ये डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन इस कोने पे आएंगे और ये बॉन्ड निकल करके बाहर क्लोरीन के साथ जाएगा। फाइनली आप देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट रहेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, बेंजीन सिंगल बॉन्ड Cl, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिंगल बॉन्ड, देन यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है। इसमें आपने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, कैसे बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रही है। आपने यहाँ पे खास करके दो पोजीशन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है ये आपका ऑर्थो ग्रुप है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका पेरा पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये फिर से ऑर्थो है। यानी कि इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पर बढ़ रहा है या फिर पेरा पोजीशन बढ़ रहा है, मेटा पोजीशन पर नहीं आ रहा है। यानी हैलोजन में जो डीलोकलाइजेशन है वो डिपेंड करता है कैसे इलेक्ट्रॉन ग्रुप को हम लोग अटैच करा पाए। नाउ इस पहले प्रोसेस को देखिए, हर एक को समझिए। यहां पे ऑर्थो पोजीशन और पेरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, और वहीं पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई भी दूसरा ग्रुप रहेगा न्यूक्लियोफाइल्स वो वहां के अटैच करेगा और उस ग्रुप को वहां पे आसानी से इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो पढ़ पाएंगे। एग्जांपल के तौर पे पहले से ही ग्रुप में क्लोरोबेंजीन लगा है। रिएक्शन नंबर वन, सबसे पहली रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। रिएक्शन नंबर वन इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजन। बेंजीन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एनहाइड्रस FeCl3, फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन किया और ऑर्थो एंड पेरा पोजिशन से HCl फ्री होगा और दो हमारे पास यहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेंगे Cl 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 plus two molecules of HCl. Chlorobenzene ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पेरा डाइक्लोरोबेंजीन। पेरा डाइक्लोरोबेंजीन इज मेजर प्रोडक्ट पेराडाइक्लोरोबेंजीन इज मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन इज माइनर प्रोडक्ट। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसके टू मूव्स नंबर वन हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में इफ वी रिएक्शंस कंटिन्यू
conduct with chlorine, then it is called chlorination. If we have bromine, then brominations. If we use iodine, that is called iodinations. Chlorination, bromination, iodinations, overall halogenation. Halogenation reactions occur in presence of anhydrous ferric chloride FeCl3 and orthodichlorobenzenes, paradichlorobenzenes and so on. Okay. Reaction number second, देखिए दो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन हटा है वहां पे हाइड्रोजन, एक ऑर्थो पोजीशन और दूसरा पेरा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे रिएक्शन नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहां लगा हुआ है कैसे इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं वो आपको देखना है. सेकेंड रिएक्शन हैलोजिनेशन के बाद रिएक्शन नंबर सेकेंड इज नाइट्रेशन रिएक्शन. Nitration reaction. What do you mean by nitration reaction? Nitration reaction means reaction with nitric acid, na ki reaction with nitrogen. Reaction with nitric acid, HNO3. Chlorobenzene react with nitric acid. Nitric acid HONO2. Chlorobenzene react with nitric acid. Reactions occur in presence of concentrated sulfuric acid. Reactions occur in presence of concentrated sulfuric acid. अब क्या होगा? फिर वही ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन से हाइड्रोजन कंसेंट्रेटेड सोर्स फॉर एंड हाई टेम्परेचर रिएक्शन होने के कारण वाटर मोलिक्यूल फ्री हो जाता है बिकॉज कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वर्क एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर को रिमूव करेंगे. Chlorobenzene, nitric acid, 2-nitrochlorobenzene and 4-nitro chlorobenzene. Ortho nitrochlorobenzene and para nitrochlorobenzene, ठीक है, ये minor product रहेगा और ये major product रहेगा. Nitration reaction. रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको इसके टू मूव्स को लेंगे. नाइट्रेशन रिएक्शंस में
आपको इन दो रिएक्शन की हेल्प से यही समझाना चाह रहा था कि कैसे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे कोई ग्रुप आकर के जुड़ रहा है हेलोजन में, कैसे ग्रुप बनेगा, कैसे जुड़ेगा, कहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो मैंने आपको बताया है इस पहले रिएक्शन से, ये बताया है। उस रिएक्शन एग्जाम्पल देखते हुए आप इस पर दो एग्जाम्पल समझ रहे हैं, हेलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन, मैन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन एंड नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन।